हेलो बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली पाठ्यपुस्तक के पाठ 4 अखबार कविता के बारे में पढ़ेंगे। अखबार में बहुत सारी खबरें हमारे देश का, बाहर के देश का है ना, खबर छपा रहता है। ये खेल समाचार है ना, उसके बाद कथा, चुटकुले, कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें छपे रहते हैं। तो अखबार के जरिए मनुष्य अपने देश, बाहर का देश, सभी का खबर को जान सकता है। आइए देखें कविता में क्या है। सुबह सवेरे ढेरों खबरें लेकर आ जाता अखबार, पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार। सुबह सुबह ही बहुत सारी खबरें लेकर अखबार जो है आ जाता है घर घर में, है ना। अखबार में खबर जो छपे रहते हैं, बहुत सारी खबरें छपे रहते हैं और सुबह सुबह ही सबके घर में पहुंच जाते हैं। पहले पढ़ने की छीन झपट में फटाफट आ जाता अखबार, यानी घर में जो भी बड़े हैं, पहले मैं पढ़ूंगा इसकी होड़ लगी रहती है कि मुझे पढ़ना है। तो इस कारण से अखबार फटने भी लगता है। पापा पढ़े चाय के कप संग, दादा ऐनक संग अखबार, हुई दोपहरी दादी खुश है पोती से सुन सुन अखबार, है ना। संग मतलब साथ, दोपहर यानी दोपहर। पापा जो है चाय के प्याले के संग अखबार पढ़ते हैं, यानी चाय के चुस्की के साथ अखबार का मजा लेते हैं, है ना। और दादा जो है, यानी दादाजी जो है, ऐनक के साथ, ऐनक यानी चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं। और जैसे ही दोपहर होती है तो दादी क्या करती है, अपने पोती को कहती है कि मुझे अखबार पढ़ के सुना। तो अपने पोती के मुख से अखबार सुनती है, है ना। पोती पढ़ के सुनाती है, देश दुनिया की खबरें बताती है और दादी सुन सुन कर खुश होती है। अपने देश और बाहर का हाल बता जाता अखबार, कथा चुटकुले छुट्टी के दिन लेकर के आता अखबार। अखबार में क्या होता है, अपने देश के साथ साथ बाहर के देश का भी हाल यानी समाचार बताता है, है ना। हमारे देश के साथ में, हमारे देश में बहुत सारे जो शहर है, प्रदेश है, उनके खबरें बताता है। साथ साथ में विदेशों में क्या घटना घटित हो रही है, क्या क्या हो रहा है, उसका भी ब्यौरा, मतलब उसका भी बारे में सभी, उसके भी बारे में सब कुछ लिखा होता है, सबके बारे में बताता है। और छुट्टी के दिन में क्या होता है, बच्चों के लिए कथा, कहानियाँ, चुटकुले, कविता, पूछो तो जाने, इस तरह की बहुत सारी मनोरंजन वाली कहानियाँ छपते हैं जिसे बच्चे पढ़कर खुश होते हैं। तो हर दिन देश विदेश के खबर के साथ साथ छुट्टी के दिन कथा, चुटकुले, कहानियाँ भी अखबार में छपते हैं। आगे देखिए, रात रात भर जगे लोग कुछ, जन्म तभी पाता अखबार, भोर हुई तो द्वार द्वार पर जाकर गिर जाता अखबार। मतलब भोर मतलब सुबह, और द्वार मतलब दरवाजे पर। तो दिन भर रिपोर्टर लोग जो होते हैं, वो लोग समाचार इकट्ठा करते हैं और रात में सभी क्या करते हैं, और भी जो अखबार में काम करते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो वो रात भर जगकर छापने का काम करते हैं, है ना। तो क्योंकि एक दो तो अखबार नहीं रहती, बहुत सारी अखबारें होती है, तो उसे छापने का काम रात भर चलता है। तो रात रात भर कुछ लोग जगते हैं तभी अखबार जो है पूरी तरह से छप पाता है, यानी जन्म लेता है। और भोर हुई तो, जैसे ही सुबह हुई तो सबके दरवाजे पर अखबार जो है जाकर पहुंच जाता है, लोगों से अखबार बांटने वाले जो होते हैं सबके दरवाजे पर पहुंचा जाता है, जिसे लोग सुबह सुबह ही उसे पढ़ने का आनंद लेते हैं। अखबार को पढ़ने का आनंद सुबह सुबह ही होता है, कोई जैसे चाय के प्याले के संग, है ना। तो रात भर जगने के बाद अखबार तैयार होता है और सुबह होते ही सबके दरवाजे पर पहुंच जाता है। आगे देखिए, रेल जहाज़ों और मोटर में दौड़ लगाता है अखबार, मुझे पढ़ो मत बैठो खाली,
यह समझाता है अखबार, मतलब रेल में, जहाज़ों में, मोटर में भी मनुष्य क्या करते हैं, अखबार पढ़ने का काम करते हैं। जब उन्हें घर में समय नहीं मिला पढ़ने के लिए तो वो अपने संग अखबार ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और जब मनुष्य सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो अपने साथ अखबार रखते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो अखबार जो है मनुष्य के साथ रेल में, जहाज़ में, गाड़ियों में भी जाता है ना, दौड़ लगाता है, मतलब उनके साथ साथ चलता है। और मुझे पढ़ो मत बैठो खाली, यह समझाता है अखबार। अखबार हमें यह बताता है कि तुम ऐसे ही खाली मत बैठो, मुझे पढ़ो, देश दुनिया के बारे में जानो कि कहाँ क्या घटना घटित हो रही है। आगे देखिए, ताज़ा ताज़ा होने पर ही सबको भाता है अखबार, बासी हुआ कबाड़ी को आवाज़ लगाता है अखबार। भाता मतलब अच्छा लगता है। ताज़ा ताज़ा होने पर ही सबको भाता है अखबार, है ना। जैसे ताज़ा ताज़ा हो मतलब जैसे आज ही अखबार मिला तो सब उसे आज ही पढ़ेंगे, उसका आनंद जो है, मज़ा जो है आज ही आएगा। और जैसे ही बासी हुआ, यानी आज का अखबार कल जो है कोई नहीं पढ़ेगा, वो बासी हो गया, कल फिर नया समाचार आएगा, नया अखबार आएगा। इसलिए जब ताज़ा ताज़ा हो तभी लोग उसे पढ़ते हैं, और जब बासी हुआ यानी आज का, कल का, परसों का, इस तरह से जब इकट्ठा होते गया तो लोग उसे क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उसे रख देते हैं जमा करके, और उस फिर कबाड़ी वाले जो होते हैं उसको बेच देते हैं, दे देते हैं, है ना। तो यही कह रहे हैं कि जब तक ताज़ा रहता है, नया रहता है, तभी तक पढ़ते हैं, जैसे ही दूसरा दिन बीत गया, बासी हो गया, तो उसे कबाड़ी को देने के लिए रख दिया जाता है, कबाड़ी को दे दिया जाता है। आगे देखिए, चलो समय के साथ यही हम सबको बतलाता अखबार, सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार। अखबार हमें यह बताता है कि समय के साथ आगे बढ़ो, है ना, आगे चलो, देखो देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है ना, वो तुम उसी समय के अनुसार चलो, अपना काम करो, ये हमको अखबार सिखाता है। और सारी दुनिया दिखे ऐसी खिड़की बन जाता अखबार, जैसे हम खिड़की पर खड़े होकर बाहर का दृश्य देखते हैं, बाहर का नज़ारा देखते हैं, कुछ घटना हो रही है तो उसे देखकर जानते हैं, उसी तरह अखबार में हम लोग जो है सारी दुनिया का खबर देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, फ़ोटो वगैरह को देखते हैं। तो एक तरह से वह खिड़की का काम ही करता है कि उस खिड़की के जरिए हम अपने देश विदेश का हर जगह के खबर को जान लेते हैं। आशा है बच्चों आपको कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।